और लंगोवार पहले दिन तो दोषियों को दोषी करार दे रहा है। बहाने उन्होंने उत्ते धरावान नाल परचे दर्ज करने वास्ते अखबारों में रिलीज कर रहा है, पर अगले दिन पता नहीं कि चंडीगढ़ों कोई इन्हों फोन आया हो बयान बदल गए ने। लंगोवाल जेड़ा सरसे वाले का पहला चेला रहा है, अस्थाई धर्म के पादरियों को जा करके अपनिया दुआवां करवा रहा है, जिहदियां वीडियो शरेआम लोगों के मीडिया राही लोग वेख रहे हैं। पावन सरूप कितने ने? यह सवाल का जवाब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोविंद सिंह लौंगोवाल ने सत्कार कमेटियां तो मंगया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाँ से बनिया सत्कार कमेटियां ते कुछ होर लोगों वालों 14 सितंबर को गुरुद्वारा श्री मंजी साहब दीवान हाल विखे इकट्ठ करन दे ऐलान अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विरुद्ध किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों बारे तिखी प्रतिक्रिया दी है। लौंगोवाल ने आख्या कि गुरुद्वारा श्री मंजी साहब दीवान हाल सचखंड श्री हरिमंदर साहब के संबंधित पावन इतिहासक स्थान है, इसकी एक मर्यादा है, इतने विरोध प्रदर्शनों की किसी को भी इजाजत नहीं है। उन्होंने सत्कार कमेटियां सवाल किया कि पावन सरूपा के संजीदा मामले से सियासत करन की थां वह कौम नूं यह दसन कि जेडे पावन सरूप उन्होंने वालों वख-वख थावां तो चुके गए वह कित्थे हन। इस दे नाल ही सत्कार कमेटियां निशान साहब पालकियां पीड़े और कीमती रुमालिया आदि का भी हिसाब संगत सामने रखन। भाई लौंगोवाल ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं भी अपील की कि वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाँ से बनिया सत्कार कमेटियां तो पावन सरूपों का हिसाब लैन। इस काम लई जथेदार साहिब एक कमेटी बनाउण जो हुण तक सत्कार कमेटियां वालों वख-वख थावां तो चुके पावन सरूपां अते होर समान का वेरवा लैके जनतक करे। श्रोमणी कमेटी के प्रधान लौंगोवाल ने कहा कि पब्लीकेशन विभाग चों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो पावन सरूप संगत नूं देण उपरंत कर्मचारियों वालों भेंटा दफ्तर जमा नहीं करवाईआं गईआं, उस नाल संबंधित श्री अकाल तख्त साहिब वालों स्थापित जांच कमिशन की रिपोर्ट अनुसार हर दोषी पर कार्रवाई की गई है, पर श्रोमणी कमेटी का सहयोग देने की थान कुछ लोग जान बुझ के विरोध की नीति तहत काम कर रहे हैं, मामले नूं सियासी रंग दे रहे हैं। उधर श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के मुखी बलवीर सिंह मुछल ने लौंगोवाल की गल का मोड़वा जवाब दिंदिया कहा, वह भी तुसी सुन लो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, जो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे सत्कार नूं मुख रखदिआं होइआं सत्कार कमेटी पंजाब अते होर जथेबंदियों वालों एक अहम फैसला लिया गया सी, जो श्रोमणी कमेटी दीआं रिपोर्टां दे आधार ते, क्योंकि श्रोमणी कमेटी कुछ दिन पहला अखबारों के प्रधान लंगोवाल एक बयान दिंदा है अंतरी कमेटी के बैठक के कि जिन्ना जिन्ना ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे विच वार काट की है वह दोषी बख्शे नहीं जाणगे। इस सत्कार नूं मुख रखदिआं होइआं कई जथेबंदियां ने इस चीज़ का रोस किया, रोस प्रगटाया, पर लंगोवाल पहले दिन तो दोषियों नूं दोषी करार दे रहा है। बहाने उन्होंने उत्ते धरावान नाल परचे दर्ज करने वास्ते अखबारों में रिलीज कर रहा है, पर अगले दिन पता नहीं कि चंडीगढ़ों कोई इन्हों फोन आया हो बयान बदल गए ने कि दोषियों के उत्ते कार्रवाई नहीं की जाएगी। असी हिम्मत रखते हाँ, असी बल रखते हाँ, श्रोमणी कमेटी अपने वालों इन्हों सजावां देगी। जदों कोई भी मुलाजम घपला करता है ये पुलिस प्रशासन नूं दरखास्त देके उहदे उपर बनदियां कार्रवाइयां कराउंदे ने, अनेक कार्रवाइयां दे परचे जिहड़े दर्ज श्रोमणी कमेटी के मुलाजमां ते होए ने उदों ये प्रशासन का संजोग लैंदे ने। हुण प्रधान क्योंकि वो जिहड़े उत्थों दे वड्डे अहुदेदार ने वो भी फस रहे हैं, क्योंकि 1100
कागज की एक रिपोर्ट बनी है। वो रिपोर्ट जथेदार हरप्रीत सिंह नूं अरलीज करनी संगत के सामने लियानी चाहिए सी। उन्होंने भी अपना पला झाड़ दिता ते कहा कि यह श्रोमणी कमेटी ही इहदा फैसला लवेगी। पर जेकर श्रोमणी कमेटी फैसला नहीं लैंदी, सत्कार कमेटियां नहीं, सारियां जथेबंदियां एक मुठ हो करके ये जिहड़े लोग जिन्होंने सतगुरु की पावन पवित्र गुरबाणी का निरादर किया है सत्कार की थां ते उन्हां नूं सजावां देण वास्ते अगे आ रही ने। 14 तरीक नूं प्रोग्राम लिखा गया मंजी साहब दीवान हाल दे विच, पर लंबोवाल जिहड़ा सरसे वाले का पहला चेला रहा है असाई धर्म के पादरियां कोल जा करके अपनियां दुआवां करवा रहा है, जिहड़ियां वीडियो शरेआम लोकां दे विच मीडिया राही लोग वेख रहे ने, लांता पा रहे ने कि ये प्रधान दे भांडे योग नहीं। बादल दे कहते इनू प्रधान बनाया गया है श्रोमणी कमेटी का। पर मैं एक बेनती कर देवा, ये सारी श्रोमणी कमेटी माड़ी नहीं, बड़े चंगे इंसान भी इन्हां दे विच सेवा दे काम कर रहे ने। मैं उन्हां अगे हाथ जोड़ के बेनती करदा, आओ आप जी जागो, आपां सतगुरां नूं मूंह दिखाउणा है। ये जिहड़े दोषी ने जिहड़े सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी दा, क्योंकि जिहड़े धन गुरु ग्रंथ साहिब 328 एक कल्ली रिपोर्ट केवल सिर्फ 2 साल की होगी, 12 दे विच अज भी हो गया 8 साल का रिकॉर्ड जेकर सामने आता है, हजारों के हिसाब न धन गुरु ग्रंथ साहब की गिनती आ सकती है कि जेडे इन्होंने कागजा के विच दर्ज नहीं, पता नहीं कित्थे भेज दिते गए ने। अज प्रशासन चाहता है ते रूप सिंह सकत्तर जिहदा मैं नाम लै रहा, उस कल्ले नूं ही प्रशासन अपने हवाले कर लवे, उहदे कोलों पुछगिछ करे ते सारे दोषी बाहर आ सकदे ने। एक 1100 पेज की वीडियो बनी है, दास ने किसी दे नाल फोन ते गल कीती, जदों रामसर गुरद्वारा रामसर जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छपाई की जाती है, प्रेस लगी है, उस प्रेस दे विच कोई टीम जाती है, टीम ने जाके उत्थों दे जिहड़े काम कर रहे ने प्रेसा चला रहे ने वह मोने बंदे ने, नंगे सिर ने, धन गुरु ग्रंथ साहिब के अंग मर्यादा दे विच नहीं पाए। उस वाले उस दिन वाले भी दोषी ठहराए गए सन कि इन्होंने सतगुरां की बाणी का सत्कार नहीं किया, निरादर किया गया है। जिन्हें मुलाजम ने वो प्रेस दे विच सेवा कर रहे काम कर रहे ने वह भी, जिहड़े उत्थे नौकरियां कर रहे ने वह भी, वो सारे उस दिन भी दोषी ठहराए गए सन। ये जल्द ही साडा कोई निजी किसी नाल दुश्मनी नहीं, असीं चाहुंदे हां कि इस सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तो सतगुरां दे सत्कार की आवाज बुलंद होवे ते सतगुरां दी बाणी दा वध तों सत्कार होवे। असीं सत्कार नूं मुख रख के तुरे हां, किसी नूं नीवां खवाउण वास्ते नहीं तुरे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। हुण वेखणा इह होवेगा कि सत्कार कमेटी के मुखी बलबीर सिंह मुछल के बयान तो बाद भाई लौंगवाल की रुख इख्तियार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।